लैक्ट्रिक कीजर और गैस कीजर में आपको कंफ्यूजन है तो उसे सॉल्व करते हैं एक कंपैरिजन से इलेक्ट्रिक गीजर में काम होता है बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी पासिंग इट थ्रू रेजिस्टेंस जिससे हीट जनरेट होता है एंड पानी गर्म होता है गैस गीजर में गैस बर्नर होते हैं टैंक के नीचे जो पानी को गर्म करते हैं बाय ऑफ एक्चुअल गैस इलेक्ट्रिक गीजर के दो टाइप्स है इंस्टेंट एंड स्टोरेज गैस गीजर में ऐसे कोई टाइप्स नहीं है दे आर सिंपल गैस गीजर इलेक्ट्रिक गीजर्स आज कॉम्पैक्ट साइज के भी है एंड बड़े साइज में भी अवेलेबल है बेस्ड ऑन द कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज टैंक गैस गीजर में गैस का यूसेज होता है और गैस का सप्लाई आप एलपीजी सिलेंडर से दे सकते हैं बट दैट विल टेक स्पेस फॉर प्रॉपरली प्लेसिंग द सिलेंडर एंड ऐसी जगह देनी पड़ेगी जहां प्रॉपर वेंटिलेशन भी हो अगर आपके घर में गैस पाइपलाइन है तो सिलेंडर रखने की झंझट ही नहीं इलेक्ट्रिक गीजर बाथरूम के अंदर आप अच्छे से इंस्टॉल कर पाएंगे बट गैस गीजर को टू मेंटेन द सेफ्टी एक प्रॉपर वेंटिलेटेड जगह देनी होती है तो बाथरूम के अंदर इंस्टॉल करना इज़ नॉट अ सेफ ऑप्शन क्योंकि बाथरूम के अंदर ये ऑक्सीजन के लेवल को जल्दी डिप्लीट कर लेगा इसलिए के फीचर्स दिए होते हैं जैसे ओवरहीट प्रोटेक्शन या फायर प्रूफ केबल्स गैस गीजर भी सेफ होते हैं प्रोवाइडेड आप इन्हें प्रॉपर वेंटिलेटेड जगह पर इंस्टॉल करें इनमें भी सभी सेफ्टी फीचर्स दिए होते हैं जैसे प्रेशर रिलीज वैल्व फ्लेम आउट प्रोटेक्शन इलेक्ट्रिक गीज़र आज स्मार्ट फीचर्स के साथ भी आने लग गए हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप उन्हें ऑटोमेटिकली कंट्रोल करना चाहें यूजिंग योर फोन ऐप यानी आपको मान लीजिए छः बजे गर्म पानी चाहिए देन यू कैन यूज़ योर फोन लेकिन गैस गीज़र दे कम विद सिंपल वर्किंग इसलिए उनमें कोई आई फीचर नहीं होता इलेक्ट्रिक गीज़र्स काफ़ी रिलायबल होते हैं स्पेशली आपके घर में अगर हार्ड वाटर आता है तो एनोड रॉड एंड ग्लास लाइन टैंक इनके यूसेज से आपका गीजर हमेशा कोरोशन से बचा रहेगा पर गैस गीजर में हार्ड वाटर अगर जा रहा हो तो कॉपर हीट एक्सचेंजर धीरे धीरे कोरोड हो सकता है बस इसी बात का ख्याल रखना होता है बाकी दोनों ही गीजर्स काफी ड्यूरेबल है इलेक्ट्रिक गीजर्स 2000 से लेके 15000 तक के प्राइस रेंज में आते हैं बेस्ड ऑन मॉडल साइज एंड फीचर्स गैस गीजर्स जनरली थ्री एंड हाफ थाउजेंड से लेकर सिक्स या सेवन थाउजेंड तक के रेंज में आपको मिलेंगे गर्म पानी इलेक्ट्रिक गीजर में अगर इंस्टेंट गीजर हो तो थोड़े ही टाइम में मिल जाएगा एंड स्टोरेज गीजर हो तो थोड़ा टाइम रुक कर मिलेगा और वही गैस गीजर में इंस्टेंटली आपको गर्म पानी मिलेगा नाउ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर कॉस्ट इफेक्टिव एंड एनर्जी एफिशिएंसी गैस गीजर तो जैसे ही आप टैप ऑन करेंगे गीजर गैस को बर्न करके पानी गर्म करके आपको दे देगा जैसे ही आप टैप ऑफ करेंगे तो गैस की बर्निंग भी बंद हो जाएगी बट इलेक्ट्रिक गीज़र में टैंक होता है फॉर एग्जाम्पल टेन लीटर टैंक टेन लीटर टैंक में पानी भरा रहता है तो जब आप स्विच ऑन करेंगे तो ये टेन लीटर का पानी गर्म होगा भले ही आपको टू लीटर का पानी चाहिए बट पूरा टेन लीटर पानी गर्म होगा एंड बचा हुआ एट लीटर को गर्म करने में जो एनर्जी यूटिलाइज हुई थी वो वेस्ट हो जाएगी तो ये सारे फैक्टर्स पे हमने इलेक्ट्रिक गीज़र्स एंड गैस गीजर को कंपेयर किया है आई होप इस वीडियो से आप अच्छे से समझ पाए हैं द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड गैस गीजर हमारे रिकमेंडेड बेस्ट इलेक्ट्रिक एंड गैस गीजर्स अगर आप जानना चाहते हैं तो इन पे हमारा डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर देखिए ऑल्सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल थैंक यू